बड़े बड़े झूठ बोलते हैं लोग बुराई के लिए। महाराज दांत दुखे, महाराज कीड़ा पड़ गो दांत में, पायरिया है गो, फलाना है गो, ढिकाना है गो, इलाज करवाओ, तमाकू घिसने से कुछ नहीं होगा। आहा, सुगंध आनी चाहिए शरीर में से, गंध नहीं आनी चाहिए। है अमृतम शरीरम तपोभाम शरीरम यथ पुरुष शरीरम यावते शरीरम लक्ष्मणम शरीरम व्याप्तम शरीरम शंकरम शरीरम विष्णु शरीरम यावते ब्रह्मा शरीरम। ऐसे शरीर हैं जिनकी सुगंध लोग अभी तक लेते ही चले जा रहे हैं। हमारे तुम्हारे शरीर में से तो किसी किसी के शरीर में से तो ऐसी बांस आवे पसीना की लेने के देने पाड़ दे महाराज, बताओ है? लगे ही ना कि आदमी है, ऐसा लगे कि पूरे हाथरस जिले के चूहे जाके पेट में मर गए सड़ गए, ऐसी बदबू पसीना में ऐसी बदबू, बताओ बोलो। आप समझ ही गए होंगे जो कहना चाहता हूं। नल का पानी, बोरिंग का पानी किसी भी नली में चला दो, बांस नहीं मारेगी। जिंदगी भर पानी चाहे 3 फुट बहे चाहे 4 फुट बहे, पर जो पानी रुक जाता है नालियों में फिर वो बांस मारने लग जाता है। आपके शरीर में जो पानी रुक गया है वो दुर्गंध वाला हो जाता है, उसको पसीना बांस वाला हो जाता है। वो पसीना सबको आता है, आना चाहिए, पर रुका हुआ नहीं आना चाहिए, नेचुरल प्राकृतिक पसीना आना चाहिए। चूल्हे के ऊपर भगोनी रख देते हैं, सब्जी छौंक के कढ़ाई रख देते हैं, उस पर प्लेट ढक देते हैं, प्लेट के ऊपर पानी कैसे आ जाता है देख लो, भाप का पानी, पवित्र होता है वो, शुद्ध होता है। ऐसा ही पसीना, इसी को पसीना बोलते हैं। प्लेट पे जो पानी आ जाता है वो पसीना है, कढ़ाई का उसी को शरीर पसीना कहते हैं। बांस कैसे आ रही, इसका मतलब शरीर में दोष आ गया है, शरीर दुर्गंध वाला हो गया है, कुछ दोष है, उसे शुद्ध करो। कैसे शुद्ध करें महाराज? खाना छोड़ो एक हफ्ता, रोटी साग सब्जी दाल चावल छोड़ दो, एक हफ्ते नहीं खाना, कैसे जिए? पत्तियां खाओ पेड़ों की, फल खा लो। अच्छा, गुरुजी के कहने से एक हफ्ता ऐसा करके देख लो, एक हफ्ता ऐसा करके लेके दो, और अगले 8 दिन के बाद में बांस आ जाए पसीने से तो फिर कहना हमसे तुम। एक हफ्ते पत्तियां खा लो पेड़ों की तोड़ तोड़ के, चाहे 3 किलो खाओ 4 किलो खाओ, बकरी बन जाओ भैंसा बन जाओ, पर खाओ हरा, बरसी खा लो रुझ का खाओ। अच्छा, मेरी बात हंसी जरूर आ रही है पर मैं बिल्कुल सच सच कह रहा हूं। बैल का, भैंस का, बकरी का, बकड़े का, ऊंट का, इनका जबड़ा और इंसान का जबड़ा एक जैसा है, ये शाकाहारी है सब।